नमस्कार दोस्तों, शेर सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अपने आज बाइक में कार्बेटर में कुछ ऐसा चीज़ मैं बताने वाला हूं, जैसे सभी भाइयों के पास में बाइक होगी और ऐसी समस्या सबके पास आती होगी। मैं जो बताने वाला हूं, जो मेरा वीडियो है, जो मेरा कंटेंट है, कार्बेटर का जेट पिन कैसा होता है और बाइक स्टार्ट करते समय यदि हम लोग अपनी बाइक की आयल जब हम लोग ऑन करते हैं, जो स्विच होता है, तो कार्बेटर से पहले ही आयल निकलने लगता है, नीचे की तरफ ओवरफ्लो होता है। कैसे ओवरफ्लो होता है, किसके कारण होता है, उसको आज रिसोल्यूशन निकालेंगे। जैसे आप लोग बाइक कभी भी चलाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक कार्बेटर से ओवरफ्लो मतलब एक्स्ट्रा जो आयल होता है बाहर के लिए निकलता है, उसको कैसे रोकें, कैसे अपना आयल को बचाएँ, तो उसको मैं सोल्यूशन निकालूंगा और तरीका बताऊँगा कैसे क्या समस्या होती है। तब तक के लिए मेरे वीडियो में जुड़े रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। चलते हैं आगे, हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये कार्बेटर है तो इसको मैं खोल लिया हूँ। खोलने के बाद में इसको कार्बेटर को बाहर कर लेता हूँ। ये कार्बेटर और इसमें पूरा इसमें तेल वेल लगा है, इसको मैं पोंछ देता हूँ पहले। और उसके बाद जो स्लाइस होता है स्लेटर का, इसको निकाल लेते हैं पहले। यह है स्लेटर का स्लाइस और इसमें हम लोग इसका समस्या को समाधान करेंगे। ये जो मेरे हाथ में है मिकोनी का या मिकार्ब का एक कार्बोरेटर होता है, ये राजदूत का ओरिजिनल कार्बोरेटर होता है। और मैं इसको बाहर निकाल लिया और इसको मैं खोलने वाला हूँ। और इसमें जो नीचे का जो बॉक्स है, इसमें पहले से आयल 30 ml रहता है, तो इसको निकालना जरूरी है। और उसके लिए मैं थाली रखा हूँ। पहले अपने कार्बेटर को अच्छी तरह से मैं पोंछ लेता हूँ, क्योंकि इसमें गंदगी लगा है, पार डस्ट वोस्ट है। तो मैं आप लोग को सोल्यूशन निकालूंगा, निकाल के दिखाऊँगा इस वीडियो में। आप लोग भी अपने घर पर खुद का रिसोल्यूशन निकालें और अपना आयल गिरने से बचाव करें। तो मैं इसको थोड़ा सा पोंछ दिया हूँ। चलते हैं आगे। यह जो थाली है इसमें मैं इसको उल्टा कर लेता हूं और इसमें से आयल निकल रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ये पूरे 30 ml होता है और इसको स्क्रू ड्राइवर से मैं इसको खोलूंगा। यहां पर 4 बोल्ट दिया है नीचे की तरफ, इसको मैं खोल लेता हूं। और मैं नीचे का ढक्कन को खोल लेता हूँ। ये है कार्बोरेटर का ऑयल बॉक्स और इसी में ऑयल भरा रहता है। और ये है फ्लूड पिन और फ्लूड पिन के नीचे आपका जेट पिन होता है। जेट पिन के पास ही समस्या होती है, तो जेट पिन को पहले कैसे निकालें, पहले हम लोग को फ्लूड पिन निकालना है। यहाँ पे एक शाफ्ट है, शाफ्ट को निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर और फ्लूड पिन को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर। बहुत लोग ये समस्या रहती है कि भाई आप वीडियो बनाएं जेड पिन होता कैसे है। मैं यहाँ पे आप लोगों को जेड पिन निकाल दिया हूँ और यहाँ पर आता है जेड पिन और इसी के वजह से और आपका जो बाइक में समस्या आती है ओवरफ्लो का, बाइक स्टार्ट नहीं होती है, बार बार आपको किक मारना पड़ता है। तो ये है जेड पिन और एक बार आप लोग को फिर से मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। जैसे कि क्या होता है कि जो आप लोग पेट्रोल आप लोग टंकी पर जो भराते हैं, जो आपकी बाइक जो चलती है पेट्रोल से, तो क्या होता है इसमें बहुत कचरा आ जाता है, बहुत डस्ट आता है, तो यहाँ पे जाम हो जाता है। तो ये जो जेड पिन है इसमें एक और पिन दिया रहता है ऊपर की तरफ, यहाँ जैसे कि यहाँ दबता है। और कैसे दबता है मैं एक बार दिखाने का कोशिश भी करूँगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए मैं जेड पिन यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर फ्लूड पिन रहता है इस तरह, तो जब इसमें आयल भरा रहता है ना, तो जो ये है जो फ्लूड पिन है वो पूरा खाली रहता है, हल्का होता है, ये उसको दबाता है, उसको दबाता है। तो जेड पिन को यहाँ से थोड़ा सा इसमें कचरा हो जाता है, कचरा होने की वजह से ये पिन दबता नहीं है, बाहर ये ओवरफ्लो करता है, इसके वजह से पेट्रोल बाहर गिरता है। तो कैसे इसको सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन यही करना है आप लोगों को, बस इसको छेद में फूंक देना है,
बहुत अच्छी तरह से फूकना है कि मतलब जो इसमें कचरा है निकल जाए, किसी तरह आप इसको साफ कर लें। जैसे मैं अपने मुंह से ही फूक लेता हूं, मैं फूक लिया और जो जेड पिन है इसको कपड़े से अच्छी तरह से इसको साफ सफाई कर लें और फिर इसको उसी में डाल भी देना है। जैसे मैं साफ कर दे रहा हूँ तो मैं इसको साफ कर लिया और उसके बाद जब पैकिंग इसका लगाते हैं, जब इसका ढक्कन बंद करते हैं तो ढक्कन बंद करने से पहले एक बार कपड़े से अपना जो बॉक्स है आयल बॉक्स उसको साफ कर लें, नहीं तो आपका कहीं से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से आप परेशान रहेंगे। तो मैं इस तरह मैं साफ कर लिया, आगे मैं चलता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ। और जो मेरे पास जेड पिन है मेरे हाथ में, इसको मैं यहाँ धीरे से इस छेद में डालूँगा और डालने के बाद मेरा जेड पिन अच्छे तरह से बैठ गया। और फिर उसके बाद जो फ्लूट पिन होता है, फ्लूट पिन को साफ कर लें, इसमें भी कचरा नहीं लगना चाहिए, तो इसको भी मैं साफ कर लिया फ्लूट पिन यहाँ पे। और इसका जो शाफ्ट है, शाफ्ट ही मेन होता है, शाफ्ट से ही अपना मोमेंट करता है, तो ये जो ना शाफ्ट है फ्लूट पिन को सेंटर में मिलाते हैं और इसको शाफ्ट को डाल देना है। ये पड़ गया। और इसका वर्क कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको ढक्कन को लगा देता हूँ, तो आप लोग समझ जाइए कि ढक्कन लगा दिया, तो जो ये फ्लूट पिन है आयल भरने के बाद में ये इस तरह दबता है, इस तरह। तो जब ये दबता है तो जेड पिन जो अंदर का होता है दबता है तो तेल अंदर की तरफ जाता है, तो वही फंसा रहेगा तो बाहर के लिए फेंकता है। तो उसके बाद मैं ढक्कन को बंद कर देता हूँ, ढक्कन को भी थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूँ क्योंकि इसमें भी लग रहा है कि कचरा है। और ओवरफ्लो कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, इसमें पूरा तेल भरा रहता है और यहाँ से ओवरफ्लो होता है। इसको भी मैं मुंह से फूंक दिया और मैं चलता हूँ इसको लगा देता हूँ। लग गया। अब इसका जितना स्क्रूफ है इसको कस देंगे। एक बार मैं फिर से खोल के दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा भी है लाइसेंस मिकार्प मेड इन जापान, ये राजदूत का ओरिजिनल कार्बोरेटर है। तो यहाँ पे इसको ढक्कन को बंद किया और जितनी सारी इसमें स्क्रूपे हैं इसको मैं लगा देता हूँ। इसको अच्छे तरह से इसको टाइट करना है, नहीं तो अन्यथा आपका आयल फिर से बाहर आएगा, लीकेज कर जाएगा। इसको मैं पूरा अच्छे तरह से जितना स्क्रू है चार स्क्रूप लगा दिया और इसको टाइट कर दिया और ये बाइक में लगाने के लिए स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग इसी तरह अपने घर पे खुद सा रिप्लेस करें या कोई रिसोल्यूशन निकालें मेरा वीडियो को देखकर। तो किसी भाइयों के पास में ऐसी समस्या आती है तो मेरे वीडियो को देख अपना रिसोल्यूशन निकालें। तो मेरा कार्बोरेटर का जो समस्या था, ऐसे भी सबके पास समस्या आती है, तो आप लोग अपना ऐसी समस्या को समाधान करें और मेरा वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा लाइक करें, वीडियो को कमेंट भी करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।